पोस्टकार्ड न्यूज से संस्थापक गिरफ्तार, नकली समाचार फैलाने के साथ चार्ज किया गया। पोस्टकार्ड न्यूज के सह संस्थापक महेश विक्रम हेगड़े को 1-9 मार्च को अपने ट्वीट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक जैन साधु से जुड़े दुर्घटना की सूचना दी गई थी। ऑनलाइन पोर्टल पोस्टकार्ड न्यूज के सह संस्थापक महेश विक्रम हेगड़े को गुरुवार को कर्नाटक में नकली और सांप्रदायिक संवेदनशील समाचारों के प्रसार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। संपादक पर साइबर अपराध कानून के तहत आरोप लगाया गया है। श्री हेगड़े की गिरफ्तारी 1-9 मार्च को अपने ट्वीट पर आधारित है। एक जैन साधु से जुड़े दुर्घटना की रिपोर्ट उनके पोर्टल ने बताया था कि उपाध्याय मयंक सागर जी महाराज एक नशे में बाइकर द्वारा मारा गया था, जो मुसलमान है। कर्नाटक में कल बहुत ही दुखद बात है, मुस्लिम युवकों पे हमला हुआ। जैन मुनि सिद्धारमैया के कर्नाटक में कोई भी सुरक्षित नहीं है। संपादक ने कल रव में पोस्टकार्ड न्यूज हैंडल पर कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों में से हैं जो ट्विटर पर श्री हेगड़े का पालन करते हैं। घटना को झूठा बताया गया था। पुलिस कहती है राज्य के सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक नेता ने साइट और इसके संस्थापक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। 13 मार्च को एक कार द्वारा भिक्षु को मार दिया गया था। एक बाइक नहीं और ड्राइवर मुस्लिम नहीं था। भिक्षु को अपने हाथ और सिर को चोट लगी जब वह कार से मारा गया था। इस पोर्टल पर पहले से ऐसी सामग्री प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया था जो सांप्रदायिक नफरत को उकसाता है। दिसंबर में पोस्टकार्ड न्यूज ने 18वीं सदी के एक महान 18वीं सदी चित्तौड़ रानी चिन्नामा पर एक विवादास्पद लेख प्रकाशित किया था, जिसने बहुत आक्रोश उत्पन्न किया था। कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस को राज्य को झूठा लाए जाने के लिए आक्रामक तरीके से अभियान चलाते हुए एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। गिरफ्तारी ने एक राजनीतिक चिल्लाया है। राज्य में विपक्षी भाजपा ने संपादक की गिरफ्तारी की निंदा की है। बीजेपी संसदीय प्रताप सिम्हा ने कहा, गिरफ्तारी से धर्मैया सरकार द्वारा एक दुखद कदम थी।